वफाकी वज़रा ने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाने पर ले लिया। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत की मीटिंग में नहीं आए, क्या ये कोई बनाना रिपब्लिक है? वफाकी वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन के दो अरकान आगे आएँ और फैसले का जायजा लें। शिबली फराज ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन को आगाह करना चाहते हैं कि ये मनसूबा 2028 तक नहीं जाएगा। इलेक्शन असलाहत का बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका अजलास से मंजूर करवा लें। इमरान खान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। नून लीग के तर्जुमान मरीम औरंगजेब का रद्दअमल, कहा कि इलेक्शन कमीशन के अरकान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बगावत पर उकसाना आइन से गद्दारी और आइनी इदारों पर हमला है। पीपल्स पार्टी के सैनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के नोटिसेस के बाद वफाकी वज़रा आपे से बाहर हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मनसूबा असल में आइंदा आम इंतखाबात चोरी करने की साजिश है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि जमहूरियत के लिए मिलकर काम करना होगा, तमाम सूबों का एहतराम ज़रूरी है। बलोचिस्तान की महरूमियाँ दूर करने के लिए आवाम तक वसाइल पहुँचाने होंगे। कराची में सरदार अख्तर मैंगल से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद गुफ्तगू। दौरा कराची एयरपोर्ट पर रवानगी के वक्त खातून ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से कहा कि लाहौर का हशर कर दिया गया, आपकी याद आती है, आपसे मिलकर खुशी हुई। शहबाज शरीफ ने खातून का शुक्रिया अदा किया। कचरा देख देख इतना दिल खराब होता है ना कि आप याद आते हैं आप याद आते जब तक आप है ना मीडिया में नजर आता है पता ही नहीं होता है। 2016 में नून लीग के दौरे हुकूमत में शुरू होने वाले कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 80 में से 40 बसें कराची पहुंच गईं। बसें सुरजानी से नुमाइश तक चलेंगी, नुमाइश से टावर तक ट्रैक अब भी नामुकम्मल है। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना था कि तकरीबन 2 महीने बाद ये बसें मुसाफिरों के लिए दस्तियाब होंगी। पीडीएम के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के बारे में ऐसा रवैया रखे जिससे हुकूमत को फ़ायदा ना हो। जमहूरियत में एक अलायंस से बाहर रहकर भी हुकूमत की मुखालफत की जा सकती है। मौजूदा हुकूमत में मुल्क चलाने की सलाहियत नहीं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि तालिबान से हमदर्दी रखें और फौरन उनकी हुकूमत को तस्लीम करें। चीन और रूस दिलचस्पी दिखा रहे हैं, हमें भी राबता रखना चाहिए। दीन के मानने वाले हैं और जो हमारे रिवायात हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो सिंधी हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो महाजर हैं, चाहे वो सराइकी हैं, चाहे वो पश्तून हैं, चाहे वो सारेवाल हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तानी कश्मीरी, वो अपनी माओ बहनों को इज्जत देते हैं। ये देखिए, ये भी अमरीका की बेटी है, ये किसी की बेटी है, बहन है, माँ है। देखें, मैनहट्टन है, इंसानियत के इंसानी हकूक के लम्बरदार। खुदा के लिए अपनी कदरों को पहचानो, अपनी बुनियाद से जुड़ जाओ। ये कोई सियासी स्लोगन्स नहीं है, ये हकीकत है। आंखों से देख के ये वो प्रैक्टिकल चीज है जो कि ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रही है। वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं, वो जो हमें लेक्चर्स देते हैं, आए देखें बेटियों का क्या हाल है, आम वासियों का क्या हाल है। शहरार आफीदी का न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन की सड़कों पर गश्त, वीडियो भी रिकॉर्ड कराई। खवातीन के सिलसिले में अपने माशरे और अमरीकी माशरे का मवाजना किया, कहा वो लोग जो हमें लेक्चर देते हैं, देखिए इनकी बेटियों का क्या हाल है। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरार आफीदी इन दिनों न्यूयॉर्क में। शहबाज शरीफ की घड़ी कितने करोड़ की? शिबली फराज के दावों ने नई बहस छेड़ दी। शहबाज शरीफ की तर्जुमान मलिक अहमद खान ने शिबली फराज को जवाब दिया कि शहबाज शरीफ को ये घड़ी उनके वालिद ने दी थी जो उन्होंने 70 की दहाई में जर्मनी से खरीदी थी। उस वक्त घड़ी की कीमत 2000 रुपये थी। शहबाज शरीफ वालिद से अकीदत के सबब आज भी वही घड़ी पहनते हैं।
न्यूजीलैंड की रुख्सती के बाद PSL की तीन बड़ी फ्रेंचाइजेज ने PCB को पाकिस्तान में PSL के नुमाइशी मैच खेलने की पेशकश कर दी। लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर जलमी ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी बुलाने की यकीन दहानी करा दी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में लाहौर कलंदर्स के COO समीन राणा ने कहा कि बेन डंग समेत लाहौर कलंदर्स के तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आने को तैयार हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने बताया कि रमीज राजा ने इस पेशकश को सराहा। न्यूजीलैंड की जानिब से दौरा ख़त्म करने पर श्रीलंका और बांग्लादेश से राबता किया। दोनों ने रजामंदी जाहिर की मगर वक्त की किल्लत और लॉजिस्टिक मसाइल के बायस दौरा मुमकिन नहीं। इंग्लैंड ने धमाकों के चंद हफ्तों बाद बांग्लादेश का दौरा किया और क्रिकेट खेली। उम्मीद है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी और खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा न्यूजीलैंड का पाकिस्तान से मालूमात शेयर न करना मायूसकुन है। खिलाड़ियों को सदारती सतह की सिक्योरिटी दी जा रही। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान डेरेन सैमी का कहना है कि वह 6 साल से पाकिस्तान आ रहे हैं, हमेशा अच्छा तजर्बा रहा है। हमने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड भी में भी हमले होते देखे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी वाकयात देखे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा दुनिया में हर जगह वाकयात होते हैं लेकिन वहाँ कोई शोर नहीं मचाता। पाकिस्तान में हालात बदल चुके हैं, पहले लोग पूछते थे कि पाकिस्तान जाना महफूज है, अब लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान में खाना कहाँ जाकर खाएँ। न्यूजीलैंड के चंद खिलाड़ियों को दौरे पाकिस्तान से पहले कुछ धमकी आमेज पैगाम मिले। जायजे के बाद सिक्योरिटी हुकाम ने उन धमकियों को गैर मुसद्दिका या फिर जाली करार दिया। दौरा मनसूख होने पर PCB को जो फाइनेंशियल नुकसान हुआ उस पर सोचा जाएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट के इंकशाफ, न्यूजीलैंड प्लेयर्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव हैत मिल्स ने की भी तस्दीक की है कि खिलाड़ियों को मिलने वाली धमकियाँ गैर मुसद्दिका थीं। फैसला न्यूजीलैंड का, नुकसान पाकिस्तान का, आखिर क्यों? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने अचानक दौरा पाकिस्तान का क्यों मंसूख किया? इसके मुहरकात क्या थे? इसने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या नुकसान पहुंचाया? जियो न्यूज़ ने पाकिस्तान क्रिकेट का मुकदमा आवाम के सामने रख दिया। खसूसी ट्रांसमिशन में PCB के साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया ने कहा कि जो भी हुआ वह हुकूमती सतह पर हुआ है, वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। साबिक क्रिकेटर राकिब जावेद ने कहा कि बेहतरीन हल तो यही है कि मिनी PSL कराना चाहिए, गैर मुल्की प्लेयर्स को इसी ग्राउंड में खिलाएं। बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद ने कहा कि सफारती ज़राए से न्यूजीलैंड हुकूमत से दौरा मुलतवी करने पर तफसीलात फौरी मांगी जाए। साबिक खतीब लाल मस्जिद मौलाना अब्दुल अज़ीज़ के ख़िलाफ़ मज़ीद 2 मुकदमात की तफसील सामने आ गई। मौलाना अब्दुल अज़ीज़ पर सेक्टर G732 की मस्जिद अलफला पर कब्जे की कोशिश और खतीब और चेयरमैन इंतजामिया को जान से मारने की धमकियां देने का इल्ज़ाम है। पेशावर में मुबैना ताल्लुकात पर मर्द और खातून को वर्सा ने फांसी दे दी। पुलिस का कहना था कि कत्ल की गई खातून को खामोशी से दफना दिया गया। मर्द को दफनाने का पुलिस को इल्म हुआ तो पोस्टमार्टम से भांडा फूटा, तफ्तीश जारी, मुकदमा दर्ज। FIA साइबर क्राइम सर्कल की कराची और हैदराबाद में कार्रवाइयाँ। ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ाम में खातून और एक शख्स गिरफ्तार। एडिशनल डायरेक्टर FIA के मुताबिक हैदराबाद में गिरफ्तार मुलजिम ने एक घर के वॉशरूम में कैमरा लगा रखा था। उस कैमरे की वीडियो से खातून को ब्लैकमेल कर रहा था। न्यू कराची में खातून से ज्यादती की कोशिश हुई। इसकी वीडियो लड़की के साबिका नंद ने वायरल कर दी। वायरल करने पर मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मुलजमान से शवाहिद बरामद कर लिए। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया का एक्शन। ठट्ठा सजावल पोल के 35 पोल्स चोरी होने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। एक्सिन हाईवेज मिट्टी असिस्टेंट इंजीनियर और सब इंजीनियर मुअत्तल। मजीद तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम।
अफगान दारुलहुकूमत काबुल में सिविल सोसाइटी और ख़वातीन समाजी कारकुनान का वजारत उमूर ख़वातीन की इमारत के बाहर मुजाहरा, ख़वातीन को तालीम और काम करने का हक देने का मुतालबा। 80 बरस का दुल्हा 60 बरस की दुल्हन, दोस्त बना शहबाला, बेटे बने बाराती। लोधरा की तहसील दुनियापुर में 80 साल अब्दुल रजाक 60 साल की दुल्हन बिहाल आया। शादी में खुद भी धमाल डाला, बेटों ने लुडियाँ डाली, पोतों ने भी डांस किया। बारातियों की चिकन कौरमे और जरदे पुलाव से तवाजु की। पाकिस्तान के हारिस साहिब ने 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। नॉकआउट राउंड के पहले मैच में हारिस साहिब ने हांगकांग के खिलाड़ी को 5-2 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की खवातीन वेट लिफ्टर खतीजा और शफक अपने खेल में पाकिस्तान का परचम सरबुलंद करने के लिए पुरअज़म। दोनों बहनों की निगाहें साउथ एशियन गेम्स में मेडल हासिल करने पर मरकूज। ओलंपिक वेट लिफ्टर तलहा तालिब के वालिद की निगरानी में तरबियत में मसरूफ। स्पेनिश लीग ला लीगा में मायोका और वियारियल के दरमियान होने वाला मैच किसी गोल के बगैर खत्म हो गया। रियाल सोसिडाड और सिविया का मैच भी बराबरी पर ख़त्म हुआ। तीसरे मैच में रियाल बेटिस और ने स्पेनियोल को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। ला लीगा के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लंदन के फैशन शो में मौसम में बहार और गर्मा के मलबूसात की नुमाइश। कोरोना दौर को भुलाने के लिए गुलाबी और सुर्ख रंग का इस्तेमाल। पाकिस्तान में तैयार दीदाजे मलबूसात ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली।